जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने शनिवार को चौटन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना रोकथाम संबंधित उपायों की जानकारी लेने के साथ विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने आलमसर ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही धनाऊ तहसील और पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। सेड़वा से ताज मोहम्मद और चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने शनिवार को चौटन क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने चौटन कस्बे के अधिकारियों से कोरोना रोकथाम संबंधित उपायों की जानकारी लेने के साथ साथ विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से रूबरू होकर कोरोना से बचाव के लिए एडवाइजरी की पालना करने का अनुरोध किया। जिला कलेक्टर ने आलमसर ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी मनरेगा योजना चल रहे तालाब खुदाई, टाँका निर्माण एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित आवास का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब खुदाई कार्य पर श्रमिकों से रूबरू होकर उनको अब तक मिली मजदूरी, टास्क एवं कार्य की उपयोगिता के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर मीणा ने कार्यस्थल पर कोरोना की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर मीणा ने मनरेगा में निर्मित टाँका निर्माण कार्य का अवलोकन करने के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों से रूबरू होकर आवास निर्माण के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने चौटन उपखंड कार्यालय एवं कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण भी किया, जहां मरीजों से रूबरू होकर व्यवस्थाओं एवं उनके उपचार के बारे में जानकारी ली। वहीं उपखंड कार्यालय में विभागीय अधिकारियों से राजस्व कार्यों के प्रगति एवं कोरोना की रोकथाम संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी रामजस विश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक अजीत सिंह, विकास अधिकारी छोटू सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने धनाऊ तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान धनाऊ पंचायत समिति के विकास अधिकारी गोपाराम समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने सेड़वा एवं जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से रूबरू होकर कोरोना से बचाव के लिए आम जन तक जागरूकता का संदेश पहुँचाने का अनुरोध किया। इस दौरान जिला कलेक्टर मीणा ने उपखंड अधिकारी सुनील चौहान एवं विकास अधिकारी शंकर धारीवाल ने विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत करवाया। सैचुरेट कर चुका है तो, लेकिन चूंकि राज्य सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए हमने SDO साहब को डायरेक्शन दिए। आप बहुत जल्द एक सर्वे करवा रहे हैं और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने जाएगा, उसकी आवश्यक जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पौधारोपण भी किया। उन्होंने बारिश के मौसम में अधिकाधिक पौधारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही जिला कलेक्टर ने सेड़वा उपखंड मुख्यालय पर आमजन की प्रतिवेदनाएं सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।